बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो टॉपिक है जी हमारा, ये है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के ऊपर। और पिछली वीडियो में हमने बात की थी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यानी उसमें मालिक की बारी थी, क्योंकि मालिक ने बिज़नेस को आकर कहा था कि देखिए जी मालिक और है और बिज़नेस और है, तो मुझे तो बाहर पैसे इन्वेस्ट करने से ज़रा पैसे मिल रहे हैं, मुझे उसके ऊपर इंटरेस्ट मिल रहा है, रिटर्न मिल रहा है, तो आप मुझे दें। तो बिज़नेस मान गया, उसने कहा चलो ठीक है आप ले जाओ। लेकिन अगली बार बिज़नेस ने अब टर्न लिया। अब जब मालिक बिज़नेस से पैसा निकलवाने आया ना, तो उन्होंने कहा कि भाई देखो मालिक और है और बिजनेस और है, अब आप जब पैसा बिजनेस से निकलाओगे तो मींस कि अब आपको, आपने हमसे इंटरेस्ट लिया हुआ है कैपिटल के ऊपर, अब आप बिजनेस से पैसा निकाल के लेके जा रहे हो क्योंकि बिजनेस का पैसा है। अब इसके ऊपर आपको क्या करना है, इंटरेस्ट पे करना है। उस इंटरेस्ट को इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कहते हैं। अच्छा देखिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैपिटल पे कैलकुलेट हुआ, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड पे शो हुआ क्योंकि बिजनेस का एक्सपेंस था, हमने बिजनेस की पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है, और कैपिटल में हमने ऐड कर दिया था क्योंकि मालिक को जाने थे पैसे। ये उसके उल्टे है, ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, ये ड्राइंग पे कैलकुलेट होगा जितना उसके ऊपर इंटरेस्ट बनता है, यानी जितने ड्यूरेशन के लिए वो पैसे ले गया है बिजनेस, जब तक वो वापस नहीं करता तो उसका उसके ऊपर इंटरेस्ट बनना है, उसके ऊपर रकम के ऊपर हम कैपिटल पर माइनस कर देंगे, लेकिन उसके ऊपर जो भी इंटरेस्ट, उसके ऊपर जनरल इंटरेस्ट हो, वो कह देता है कि इसके ऊपर जो ओवरऑल इतना ही आप ले लें, कौन से इसने वापस करना है, जब नहीं इन्वेस्टमेंट आएगी तो दैट्स ओके। इसका अपना पैसा था एक तरह का, लेकिन ले गया, उसके ऊपर इंटरेस्ट हम कैलकुलेट करेंगे। तो यानी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ड्राइंग पे कैलकुलेट होगा, ये ड्राइंग में ऐड होगा, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड भी शो होगा। क्रेडिट साइड भी इसलिए शो होगा क्योंकि ये बिजनेस का रेवेन्यू है। अच्छा, एक तो हम इसको ड्राइंग में ऐड भी कर सकते हैं, अगर ड्राइंग में ऐड नहीं करना तो इसे कैपिटल में से डायरेक्टली लेस भी कर सकते हो। अब ड्राइंग में इसलिए हम ऐड कर देते हैं क्योंकि ड्राइंग ने लेस हो जाना है कैपिटल में से, तो चूंकि ड्राइंग ने ही कैपिटल में से लेस हो जाना है, तो इसलिए आप या तो ड्राइंग में ऐड कर दो, या आप उसको चाहो तो डायरेक्टली इसको उसमें से लेस कर दो कैपिटल में से। ठीक है, इसके पॉइंट्स को कुछ पढ़ लेते हैं और वीडियो खत्म करते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज रेवेन्यू फॉर बिजनेस एंड एक्सपेंस फॉर द ऑनर, जिसको हम ट्रीट कर रहे हैं एज अ ड्राइंग, उसका जाती एक्सपेंस बनता है ना, तो जाती उसका एक्सपेंस बनता है, लेकिन बिजनेस से वो ले रहा है तो हम उसको ड्राइंग ट्रीट कर लेंगे। इट इज डिडक्टेड फ्रॉम द कैपिटल इन द बैलेंस शीट, या एड होता है ड्रॉइंग के अंदर, और ड्रॉइंग डायरेक्टली लेस हो जाती है तो एक ही बात हो जाएगी। एन अमाउंट ऑफ द इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इज शोन ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इफ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इज गिवन इन साइड द ट्रायल बैलेंस, देन इट इज ओनली शोन ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अगर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग अंदर उसने दे रखा है ट्रायल बैलेंस के अंदर, तो फिर हमें क्या करना है, उसको सिर्फ क्रेडिट साइड पे शो करना है प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर। क्यों? क्योंकि इट हैज बीन एडजस्टेड विद द ड्राइंग और कैपिटल, कैपिटल के साथ एडजस्ट हो चुका है, तो इस वजह से हम इसको क्या करेंगे, ये तो एंट्री क्या होती है, ड्राइंग अकाउंट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट, तो ये आपके पास आ जाती है जिसकी, तो ड्राइंग में या तो ऐड हो जाएगा, तो या फिर डायरेक्टली आप क्या कर दो कैपिटल में से उसको जाके, और यही हम उसमें से जाके लेस कर देते होते हैं। तो ये इसका तरीकाकार है, और इसके मुताबिक जो है वो आपने इसको देख लेना है। ले जी, ये आपको समझ लगी होगी कि इसके अंदर इंटरेस्ट ऑन जो ड्राइंग है, ये आपका रेवेन्यू है, इस वजह से क्रेडिट हो रहा है, और ड्राइंग इसलिए क्योंकि डायरेक्टली कैपिटल को आप या तो डेबिट कर दो, तो या उसकी जगह ड्राइंग को डेबिट कर दो। नीचे से ट्रीटमेंट को आप देख लें, चूंकि इंटरेस्ट है तो प्रॉफिट एंड लॉस में अल्टीमेटली जाएगा, लेकिन ऊपर वो पूरा आ रहा है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो क्योंकि हम कंबाइंड बना रहे हैं इसको, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के नाम से जो है वो क्रेडिट साइड पे शो होगा यहाँ पर, और कैपिटल में जो है ये लेस हो जाएगा, और लेस होने के बाद फाइनल रकम आप यहाँ पे लिख दोगे, दैट्स इट। लो जी, ये इसका तरीका था, और उम्मीद करते हैं आपको मल्टीपीडिया की वीडियो समझ लगी होगी और अच्छी लगी है, तो इस वीडियो को आप लाइक कर लें, शेयर कर लें दूसरों के साथ, अगर आपको अच्छी नहीं लगी तो उसको आप डिसलाइक कर दें, और वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।